दोस्तों भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत लिया 99% हारा हुआ T20 मैच। तो क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो पे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून से WTC का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। उससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फर्स्ट T20 मैच खेला गया, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने पहले बाजी को 320 ओवर 5 विकेट गंवाकर 186 रन बनाए थे। तो वहीं मिचेल मार्श ने 40 गेंद में 60 रन की पारी खेली थी। इनके अलावा एलेक्स कैरी ने 36 गेंद में 55 रन बनाए थे। तो वहीं कैमरून ग्रीन ने 36 गेंद में 40 रन बनाए थे। तो वहीं इंडिया टीम में गेंदबाजी की बात करते हैं, मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए थे। 186 रनों का लक्ष्य पीछा करने के भारत की टीम की ओर से सुमन गिल और ईशान किशन मैदान पर आए। तो वहीं सुमन गिल बिना खाता खोले ही पॉइंट लौट गए। इनके बाद बाजी के मैदान पर विराट कोहली हैं और ईशान किशन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 130 रन की सरदारी कर डाली, जहां पर विराट कोहली ने 36 गेंद में 74 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं ईशान किशन ने 40 गेंद में 36 रन बनाए थे। अंत में इंडिया टीम को 6 गेंद पर 30 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर सूर्यकुमार यादव थे। सूर्यकुमार यादव ने 5 गेंद में 5 छक्के लगाकर मैच को परिणाम कर लिया है और टीम इंडिया को जीत दिला दी। तो ऐसी क्रिकेट से हर खबर पाने के लिए क्रिकेट न्यूज चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।